एक और खबर पंजाब से, जहां पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है वो वहां के लोगों के अधिकार को छीनने जैसा है। अब पंजाब का अधिकार छीनकर यहां के लोगों का हक मारने की बीजेपी तैयारी में है और इसी बात को लेकर पंजाब विधानसभा में आज बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर वहां के लोगों का अधिकार छीना, अब पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर पंजाब के लोगों का हक छीनना चाहती है। जम्मू कश्मीर दे नाल अन्याय होया, कश्मीर दी धारा तोड़ के स्टेट नु खत्म करके जद आरएसएस ते बीजेपी ते अकाली दल दी सरकार ने इकट्ठे तौर ते राज दे अधिकार खोए। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आज बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास किया और पंजाब में बीजेपी आरएसएस की मौजूदगी के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष के विच एंटर ही नहीं थी कर सकती, आरएसएस पंजाब से एंटर नहीं थी कर सकती जे ए लोग उनका साथ ना देंगे। चन्नी ने कहा कि जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था तब श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के साथ थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।